2 जून 1984 के दिन इंदिरा गांधी ने रेडियो के जरिए गोल्डन टेंपल में छिपे आतंकियों से हथियार छोड़ देने की अपील की और 3 जून को ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू कर दिया। 5 जून 1984 यानी वो दिन जब अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर में चले ऑपरेशन ब्लू स्टार में भिंडरावाले को मार गिराया था। लेकिन ऑपरेशन ब्लू स्टार और भिंडरावाले की कहानी 2 जून और 5 जून के बीच की नहीं बल्कि इसकी जड़ें बहुत गहराई में हैं। ये कहानी 1977 में शुरू होती है जब आपातकाल के बाद इंदिरा गांधी पूरे देश में चुनाव हारने के साथ ही पंजाब में भी चुनाव हार गई थी। लेकिन गलतियों से सबक न लेते हुए इंदिरा गांधी ने पंजाब में इमरजेंसी से भी बड़ी गलती को अंजाम दिया। जिस समय अकाली दल पंजाब में कांग्रेस का विकल्प बनकर उभर चुका था तो जवाब में इंदिरा ने ज्ञानी जैल सिंह को पंजाब की कमान दी। जैल सिंह का एकमात्र मकसद शिरोमणि अकाली दल के वर्चस्व को कम करना था। इन सब के बीच जरनैल सिंह भिंडरावाले का उदय हुआ। कांग्रेस की सत्ता की भूख का नतीजा था भिंडरावाले। इंदिरा गांधी किसी दूसरे की सरकार को बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, इसलिए उसने पंजाब में प्रकाश सिंह बादल की सरकार को अस्थिर करने के लिए भिंडरावाले को खड़ा किया। दोनों एक दूसरे का उपयोग करने लगे और 1977 से ही भिंडरावाले की राजनीतिक धमक बढ़नी शुरू हुई। भिंडरावाले को आगे बढ़ाने में जैल सिंह, दरबारा सिंह और इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी का हाथ था। भिंडरावाले को पंजाब का अघोषित मुखिया बना दिया। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर ने इसका जिक्र अपनी किताब बियॉन्ड द लाइंस इन ऑटोबायोग्राफी में किया है। नैयर के मुताबिक कांग्रेस नेता कमलनाथ ने ये माना था कि वो जरनैल सिंह भिंडरावाले को पैसा देते थे और कमाल की बात यह है कि इंदिरा की हत्या के बाद इसी कमलनाथ का नाम सिखों के नरसंहार से भी जुड़ा। कांग्रेस के पैसे पर पलकर भिंडरावाले ने कब्जा किया गोल्डन टेंपल। पंजाब में आतंक का दौर शुरू हो चुका था जिसकी कीमत आज तक भारत चुका रहा है। भिंडरावाले का जो दौर शुरू हुआ वो खालिस्तान की मांग पर जाकर खत्म हुआ। इंदिरा गांधी के दौर में भिंडरावाले को जितनी ताकत मिलती गई, उसका प्रभाव बढ़ता चला गया। जब तक उसे ताकत मिली तब तक वह पूरे तौर पर आतंकवादी बन गया था और उसी इंदिरा सरकार को ललकारना शुरू कर दिया था जिसने उसको पाला पोसा। कांग्रेस के पैसे से पलने वाले इस आतंकी ने हथियारों के दम पर गुरु के पवित्र घर को कब्जा कर स्वर्ण मंदिर को अपना ठिकाना बना लिया। इंदिरा ने चलवा दिया गुरु के घर में टैंक। भिंडरावाले ने अब तेजी से स्वर्ण मंदिर को एक किले में तब्दील करना शुरू कर दिया। हथियार लड़ाकों ने पूरे परिसर में डेरा जमा लिया। उसके साथ फौज के पूर्व मेजर जनरल सुवेक सिंह था जो आतंकियों को कमांड कर रहा था। 2 जून 1984 को इंदिरा गांधी ने रेडियो के जरिए आतंकवादियों से हथियार छोड़ देने की अपील की और 3 जून को ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू कर दिया। पूरे पंजाब की टेलीफोन और बिजली व्यवस्था काट दी गई। फिर मंदिर की घेराबंदी करके फायरिंग शुरू कर दी गई। फौज को गुरु के पवित्र घर में उतार दिया गया और इंदिरा सरकार के आदेश पर टैंक से स्वर्ण मंदिर पर चढ़ाई कर दी गई। सैन्य अभियान में मंदिर को गंभीर नुकसान पहुंचा और तीर्थयात्रियों, आतंकवादियों और सुरक्षा कर्मियों सहित सैकड़ों लोग मारे गए। 5 जून की रात को सेना ने अंतिम और निर्णायक फैसला बोल दिया जिसमें सुवेक सिंह और भिंडरावाले मारे गए। ऑपरेशन ब्लू स्टार से शुरू हुआ पंजाब में आतंक का दौर। ऑपरेशन ब्लू स्टार में लगभग 200 आतंकी मारे गए और 79 फौजी शहीद हुए। भले ही इंदिरा गांधी ने भिंडरावाले को मार गिराया पर भिंडरावाले की मौत के बाद भी पंजाब का माहौल शांत नहीं हुआ बल्कि खालिस्तान की आग और भड़क गई। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने भारत को वो घाव दिए जो कभी भर नहीं पाए। हजारों लाखों बेगुनाहों ने इंदिरा की तानाशाही सोच की वजह से दर्द झेला और इमरजेंसी से सबक न लेते हुए इंदिरा ने फिर बल्कि सत्ता की भूख में इंदिरा गांधी ने पूरे पंजाब में खूनी हिंसा का वो दौर शुरू किया जिसकी आग आज भी सुलग रही है। ऑपरेशन ब्लू स्टार के परिणाम। ब्लू स्टार के समय सेनाध्यक्ष रहे जनरल बैद्य की पुणे में हत्या हो गई। ब्लू स्टार की कमान संभालने वाले कुलदीप सिंह बरार का गला रेत कर इंग्लैंड में हत्या की कोशिश हुई। अनगिनत परिवारों को आतंक का दंश झेलना पड़ा और हजारों बेगुनाहों की जान से इंदिरा गांधी के पंजाब में शासन करने के सपने की कीमत को चुकाया गया। 1984 में ही 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। दिल्ली और पूरे देश में सिख विरोधी दंगे भड़क गए। लेकिन खालिस्तान की आग से आज तक देश झुलस रहा है। कहा जाता है खालिस्तानी तत्वों का समर्थन लेकर ही केजरी ने पंजाब की सत्ता हासिल की। पंजाब में बढ़ता अपराध और हत्याओं का दौर हो
या हाल ही में पटियाला में हुई हिंसा साफ इशारा कर रहे हैं कि जो जहर का बीज इंदिरा ने बोया था वो आज भी फल फूल रहा है।